हाय सखीज, वेलकम टू सखी ब्यूटी पॉइंट। आज की वीडियो में मैं एक हेयर कट शेयर करने वाली हूँ। आप देखिए, इनके बाल काफ़ी सिल्की हैं और इतना इनको कट करवाना है। तो इनके बालों में मैंने पहले वाटर स्प्रे किया है और उसके बाद फिर पूरे बालों में मैंने कंघी करी है। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल भी एडिट नहीं किया है, नॉर्मल रखा है। और वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब उसके बाद फिर आप शेयर करके कमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने स्ट्रेट कटिंग के लिए पहले बीच से मैंने गाइडलाइन निकाली है, उसके बाद कंघी को रख रख कर मैंने काटा है। तो आप बालों में अच्छी तरह से स्प्रे कर लें, बालों को कॉम करके अच्छी तरह से चिपका लें, उसके बाद इस तरह से कंघी रख रख के आप भी हेयर कट कर सकते हैं। ये स्ट्रेट कटिंग भी काफ़ी इजी हो जाती है इस तरह से करने पे। और मैं पूरे बालों को पहले स्ट्रेट में काटूंगी, उसके बाद मैं इन बालों में 3 स्टेप्स दूंगी। तो इस तरह बाल कट गए और अब उस तरफ के बालों को कट करना है। अब देखिए कि इनके पूरे बाल अच्छी तरह से कट गए हैं और अब इन बालों में मैं स्टेप कटिंग लेने वाली हूँ। इनकी डिज़ायर लेंथ है, ये देख ली है, और अब इसी लेंथ पे मैं इनके बालों को कट करने वाली हूँ। फिर से मैंने अच्छे से कंघी किया है, बाल इतने अच्छे हैं कि बालों पे कोम घुमाना भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इनके बालों में ज़्यादा पार्टिंग नहीं करनी है मुझे, बस ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है। और पहले पीछे के बालों को कट करना है, उसके बाद फिर फ्रंट के बालों को कट करना है। तो इस तरह से मैंने ईयर टू ईयर की पार्टिंग कर ली है और आगे के बालों को आगे रख दिया है और पीछे के बालों में अब कटिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। बीच के बालों को निकाला है मैंने गाइडलाइन के लिए, और बस देखिए आप कितना आसान है। इसको मैंने हाथों पे लिया है कंघी करते हुए, हाथों पे कैंची रखी है और इस तरह से मैं गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो एक्स्ट्रा बाल है वो निकाल रही हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा हाथों को ऊपर लिया है और अब जो नीचे बाल छूट गए वो छूट गए, ऊपर के जो बाल हैं उसको मैं इस तरह से कट कर दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर उठाया है और इस तरह से जो बाल छूट गए वो छूट गए, और जो हाथों पे हैं उसको हमने काट देना है। तो इस तरह से 3 स्टेप में बाल की एक लाइन बन गई और अब इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें पूरे बालों को कट करना है। तो पहले यहाँ लेफ्ट साइड के बालों को मैं काट रही हूँ। इस कटिंग में नीचे के नीचे लेयर्स बहुत अच्छे आते हैं, स्टेप्स बहुत अच्छे आते हैं। तो इस तरह से सिल्की बाल हैं तो इनमें नीचे के जो है स्टेप्स बहुत अच्छे दिखेंगे और काफ़ी खिले खिले से दिखेंगे ये स्टेप। तो आप देखते रहिए, पूरी वीडियो को आप देखती है देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करिए, और अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसके साथ ही अपने कमेंट भी दीजिए। बालों को फिर से पानी डाला, गर्मी का मौसम है तो बाल बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, पंखे वगैरह चलते रहते हैं तो बालों में ड्राइनेस आ जाती है और बाल बहुत उड़ते हैं, इसलिए बालों पर अच्छी तरह से वाटर स्प्रे करके ही कट करा है मैंने। आप भी इसी तरह से बालों को कट कर लीजिए। अब देखिए जहाँ के बाल मैं काट रही हूँ मैं वहीं पे खड़ी हूँ, तो इस तरह से पूरे बालों में एक राउंड सा शेप आता चला जाएगा, बाद में हम उसे फिनिशिंग टच दे देंगे। इस तरह से फिर अब तीसरी बार देखो ऊपर उठाया है और अब इसको मैं कट कर रही हूँ। कटिंग इतनी मुश्किल नहीं होती, बट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है। तो पूरी अगर आप बिगनर्स हैं तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। मेरे चैनल पर हेयर कट के बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, उन सबको आप देखिए और उनको देखकर आप कटिंग कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और कटिंग बार बार देखने से ही आती है, तो आप बार बार उसको देख सकते हैं। इस तरह से अब देखिए लेफ़्ट साइड के बालों को मैंने फिर से लिया है हाथों पे, और पहले नीचे रखते हुए काटूंगी, फिर बीच में लाऊंगी और फिर टॉप पे ले जाके कट कर दूंगी। तो 3 स्टेप्स आ जाएंगे इसमें। और अब आगे मैंने ईयर टू ईयर में क्लिप लगा लिया है और अब पीछे के बालों को फिर से मैं कट कर रही हूँ। तो अब राइट साइड की कटिंग शुरू हो गई है, और राइट साइड भी मैं जैसे लेफ़्ट साइड में मैंने कटिंग किया था उस तरह से राइट साइड में भी मैं कटिंग कर रही हूँ। पूरे बालों की कटिंग होने के बाद आप को जब मैं फाइनल लुक दिखाऊँगी तो देखेंगे आप कि बाल काफ़ी सुंदर लग रहे हैं और काफ़ी अच्छी कटिंग हुई है। पूरे बालों की
इस तरह से स्टेप्स में काटने के बाद फिर हल्का सा मैं इसमें राउंड शेप दूंगी, उसके बाद फिर मैं फ्रंट की कटिंग करूंगी। तो आप पूरा वीडियो को देखते रहिए। फ्रंट की कटिंग करी है मैंने, फ्रंट में लेयर्स दिए हैं, उसके बाद फिर मैंने साइड से बैंग्स भी दिए हैं। साथ के साथ जो नीचे अनइवन से बाल हैं उसको भी मैं कट करती चली जा रही हूँ। अब थोड़े से राइट साइड के बाल और रह रहे हैं, उसको भी मैं उसी मेथड से काटूंगी जिस मेथड से मैंने पूरे सर के बाल को काटा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि अब लेंथ वही है, अब लेंथ कम नहीं हो रही, बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच देंगे उसमें, थोड़ी सी जो थोड़े से हल्के फुल्के जो बाल जाएंगे बस वही। कई बार कमेंट में लोग कहते हैं, व्यूअर्स कहते हैं कि आप सबके बाल ज़्यादा ही काट देते हो, बाल छोटे कर देते हो, लंबे बालों को आप छोटा मत करो। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते, क्लाइंट बोलता है हमें तभी हम उनके बालों को छोटा या लंबा रखते हैं। अगर वो बोलता है कि लंबे में ही हमें कट दे दो तो हमें लंबे में ही कट देना पड़ता है, और अगर वो बोलता है कि हमें बाल छोटे कराने हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि बालों को आधा निकाल ही दो, तो मैंने उनके बालों को आधा निकाल दिया और स्टेप्स कटिंग दे दी। तो क्या होता है कि कई बार क्लाइंट को अपना लुक चेंज करवाना होता है, तो इसलिए भी वो हेयर कट लेते हैं और बालों को छोटा करवा लेते हैं। वैसे भी इनका फेस थोड़ा सा हैवी है तो इन पर छोटे बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, और आप देखिएगा इन पर छोटे बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और इन्होंने वैसे तो बहुत कम ही क्लाइंट बोलते हैं कि मेरे बालों को छोटा कर दो, पर इन्होंने अपनी मर्जी से बोला है कि बालों को छोटा कर दो, तो मैंने इनके बालों को छोटा किया है। और अब देखिए कि फ्रंट की कटिंग है, तो फ्रंट की ये वाली कटिंग तो मैं कई वीडियोस में अपने कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस कटिंग को फिर से ध्यान से देखिए। आगे एक वी सेक्शन ले लीजिए और उस वी सेक्शन को जितनी क्लाइंट की मर्जी है वहाँ पर ले जाके कट कर दीजिए, ये गाइडलाइन तैयार हो जाएगी और इसी से फिर सारे बालों को हम काटेंगे। तो इस तरह से इतने बालों को निकाल दिया मैंने, और अब दोनों तरफ के बालों को हम इस तरह से काटते चले जाएंगे। बहुत आसान है, हाथों को थोड़ा सा तिरछा किया और फिर कट कर दिया, फिर बालों को लिया हाथों में, फिर तिरछा किया और फिर कट कर दिया। कितने प्यारे से लेयर्स आ जाते हैं आप देखिएगा, ये देखिए बाल कट गए और कितने प्यारे से लेयर्स आ गए सारे आगे के बालों में। तो ये लेयर्स इनके बालों में मैंने जानबूझ के दिए हैं, और इन्हें भी पता है कि इनके पे क्या सूट करेगा, तो इन्होंने ही बोला कि लेयर्स भी आगे से दे दो, जैसे कि फेस थोड़ा फ्रेम हो जाए और थोड़ा सा कवर हो जाए, जिससे कि फेस का हैवीनेस थोड़ा निकल जाए। तो काफ़ी अच्छी तरह से ये कटिंग करवा रही हैं, और मैं भी काफ़ी इंटरेस्ट लेके कटिंग करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है हेयर कट करना। तो इस तरह से अब इधर के भी बाल कट गए, आप देख रहे हैं इनके चेहरे पे स्माइल है, बाल कट रहे हैं फिर भी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हेयर कट से काफ़ी लुक चेंज हो जाता है। अब ये आगे के बाल कट गए, अब इन बालों को मैं पीछे के बालों से मिक्स कर दूंगी, और मिक्स करने के बाद फिर मैं साइड के बैंग्स लूंगी। अब मिक्स करने के लिए मैंने थोड़े से बालों को निकाला है, और अब फिर से एक बार कंघी करके देख रही हूँ कि कहाँ पर अनइवन है बाल, तो मैं उन बालों को कट कर रही हूँ। इस तरह से शेप आ गई है आप देख रहे हैं, अच्छी तरह से कंघी कीजिए, कोई भी बाल इधर उधर से निकले सबको काट दीजिए। कटिंग करने में डरने से फिर वो शेप नहीं आती प्रॉपर, तो अच्छे से कट करिए और जो भी अनइवन सा दिखे आपको सब कट कर दीजिए। तो अब देखिए प्रॉपर कितनी अच्छी यू शेप आई है। इनको यू शेप वाली कटिंग लेनी थी, वी शेप वाली कटिंग नहीं लेनी थी, तो वैसे वी शेप में भी स्टेप्स अच्छे लगते हैं लेकिन यू शेप में थोड़ा हैवी दिखता है। तो अब मैं क्राउन एरिया के बालों को उठाकर एक कट देने वाली हूँ, इससे क्या है कि बालों में थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा और बाल बहुत हैवी हैवी से दिखेंगे, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये वाली कटिंग की है। आपने देखा होगा स्टेप कटिंग में मैं ये क्राउन एरिया से बालों को लेकर जरूर कट करती हूँ, उससे क्या होता है कि एक वॉल्यूम सा क्रिएट हो जाता है और बाल हैवी नज़र आने लगते हैं। और फिर बालों में आप नोचिंग कर दीजिए, मैं यहाँ पर नोचिंग कर रही हूँ, और इस तरह से नोचिंग कर देने से एक अच्छी अच्छी शेप क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए हो गए इनके बाल, और अब मैं साइड के बैंग्स लेने वाली हूँ। तो साइड के बैंग्स मैंने स्टेप कट में ही दिए हैं, लॉन्ग बैंग्स हैं इनके। अब देखिए पहले नीचे काटा है, पूरे बालों को मैंने एक ही मेथड से काटा है, फिर थोड़ा ऊपर करके काटा है, और अब एकदम टॉप पे ले जाके काटूंगी। तो अगर आपको डिग्री वगैरह की नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से वीडियोज़ को बार बार देख के
प्रैक्टिस कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए ये बैंक्स कट गए, अनइवन बैंक्स हैं ये, तो इस तरह से बैंक्स कट गए। और ये बाल जब इनके फेस पे आएंगे तो इनका फेस थोड़ा सा कवर अप हो जाएगा। और अब मैं इनके बालों को आपको ड्रायर से करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए इतने बाल कटे हैं इनके, और थोड़े से ज़्यादा बाल नहीं कटे हैं। और अब देखिए इनका फाइनल लुक। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियोस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।